जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, ऐसे विशेष विशेष अभियानों में लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज फिर आपके सामने एक नए अद्भुत आपराधिक घटना जो काफ़ी प्रेरणादायक रहेगी से आपको रूबरू कराता हूँ। आप जानते होंगे श्री प्रकाश शुक्ला, जो एक चर्चित चित नाम था पूर्वांचल का, एक 20 साल का बालक कैसे बना इंडिया डॉन, इंडिया शार्प शूटर, अचूक निशानेबाज। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के रहने वाले, उनके पिताजी एक शिक्षक थे। वो पढ़ा लिखा करके अपने बच्चे को भी अच्छा सेटलमेंट करवाना चाहते थे और अपने बच्चे से लगातार पहलवानी, कुश्ती, अपने मौजे एरिया में कुश्ती में नंबर वन पर था। लेकिन एक लाइफ की घटना यू टर्न हुई, ऐसे यू टर्न हुई दोस्त, कि जब जो है श्री प्रकाश शुक्ला की बहन कहीं जा रही थी, बीच में राकेश तिवारी नाम का एक युवक उनकी बहन को सीटी मारा। ये सीटी मारना श्री प्रकाश शुक्ला बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आनन फानन में राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति का हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद घबराए श्री प्रकाश शुक्ला, कुछ प्रभावित लोगों से मिल कर करके आनन फानन में बैंकॉक चले गए और बैंकॉक जाने के बाद कुछ समय तक रहने के बाद लंबे समय तक वहाँ नहीं रह पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति बीच में गड़बड़ होने लगी। जब आर्थिक स्थिति बीच में गड़बड़ होने लगी तो उनको मजबूरन अपने देश आना पड़ा दोस्तों। और जब अपने देश आ गए तो यहाँ आने की बात, क्योंकि आपराधिक दुनिया में प्रवेश कर गई, पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, लगातार छापे मार रहे थे रिश्तेदारों दोस्तों में, लगातार उसे ढूंढ रही थी, तो घर पर रुक नहीं सकते थे। वो बिहार निकल गए। बिहार में जाकर के एक मोकामा जगह है जहाँ पर एक गैंग में शामिल हो गए। उसमें गैंग में शामिल होकर के गैंग के लिए काम करने लगे और आपराधिक उनके दरिय तरह की घटनाएं लगातार होने लगी। 1997 में बहुत ही चर्चित एक घटना घटित किया। बाहुबली राजनेता, वो भी बाहुबली थे, वो भी शार्प शूटर थे, श्री प्रकाश शुक्ला को भी शार्प शूटर कहा गया, अचूक निशानेबाज। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने बीरेन शाही नामक बाहुबली नेता का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। इससे पूरे प्रदेश में भय व्याप्त हो गया, चाहे पुलिस में लगातार चर्चा का विषय बन गया और बहुत ही यहां से चर्चित हो गया। पुलिस लगातार पीछे पड़ गई, शासन प्रशासन पूरी तरीके से परेशान था कि कैसे इनको पकड़ा जाए, इस पर पूरी योजना बनने लगी। और लगातार फिर एक घटना फिर हुई। 1997 में लगातार पुलिस पीछे पड़ी थी। 1997 में लखनऊ उत्तर प्रदेश के जनपद मार्केट में पुलिस ने फिर मुठभेड़ हुई श्री प्रकाश शुक्ला से। आधुनिक गनों से लैस था और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से हुई, लेकिन अंतोगत्ता श्री प्रकाश शुक्ला वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस विभाग का एक सिपाही शहीद हो गया। इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन में और आक्रोश और लगातार शासन प्रशासन में बढ़ता चला जा रहा है और इधर श्री प्रकाश शुक्ला लगातार आपराधिक दुनिया में लिप्त होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक दर्जनों घटनाएं लगातार करते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं। इसी दौरान 1998 में पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल, मौजूदा सरकार में मंत्री की सुपारी ले लिया और अपने साथियों के साथ लाल बत्ती गाड़ी में सवार होकर के आए इंदिरा गांधी अस्पताल के सामने। मंत्री का, उनके सुरक्षा बल साथ में थे, सरेआम दिन दहाड़े
AK-47 से उन मंत्री का मर्डर कर दिया। इतनी सनसनीखेज पूरे देश स्तर पर फैल गई, क्योंकि ये बिहार की बात है। सिर्फ कासुल्ला यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे, पूरे देश में ये बहुत तेज से चर्चित हो गया। और दोस्त, हद तो तब पार हो गई। इस अपराधी की साहस देखिए, साहस को दाद दीजिए कि जब 1998 में मौजूदा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5 करोड़ में मारने की सुपारी ले ली, ये बात जैसे सरकार को, शासन प्रशासन को पता चला, पूरी तरीके से पूरा शासन प्रशासन हरकत में आ गए, अपने आपा को खो दिए कि अब क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत सचिवालय में मीटिंग बुलाई, जिसमें गृह मंत्री मौजूद थे, डीजीपी, एडीजी अजय राज शर्मा, ऐसे सारे आला अफसरों को बुलाया और इसमें मीटिंग किया कि तुरंत जिंदा या मुर्दा श्री प्रकाश शुक्ला को हर हालत में पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया को जब मारने की सुपारी ले लिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पूरी तरीके से आतंक फैल चुका था, पूरे लोग दहशत में आ चुके थे, पूरा समाज। और उसी समय में स्पेशल टास्क फोर्स, मतलब शॉर्ट में एसटीएफ, यूपी एसटीएफ का गठन किया गया 4 मई 1998 को गठन किया गया। और गठन में 50 तेज तर्रार पूरे उत्तर प्रदेश से अफसर और कर्मचारियों को एकत्रित किया गया लखनऊ में, और गठन करने के बाद इनको मिशन और टास्क दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके श्री प्रकाश शुक्ला को समाप्त करना है, उनको गिरफ्तार करना है। लगातार एसटीएफ हरकत में आ गई दोस्त, इस बात को लेकर लगातार हरकत में आ गई, एक्टिविटी में आ गई, अपना वर्क बढ़ा दी, बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे नवयुवक एक्साइटेड की। और इस तरीके से एसटीएफ के हाथ है, एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली, एक ऐसा सुराग आया सामने कि जो बहुत बड़ी सफलता दिलाया। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली में रहती थी, उससे लगातार बात करता रहता था, रेगुलर बात करता था, और रेगुलर बात करने की वजह से इसके नंबर को, गर्लफ्रेंड की नंबर को ट्रेस करने लगी एसटीएफ, और ट्रेस करने से पूरा लोकेशन, बातचीत, सारी चीज होने लगी कि कहां पर इस समय मौजूद है। इस बात को श्री प्रकाश शुक्ला को भी पता हो गया कि हमारा या हमारे गर्लफ्रेंड का नंबर ट्रेस किया जा रहा है। इससे बचने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने पीसीओ से बात करना शुरुआत किया, बदल बदल अलग अलग जगहों पर पीसीओ से बात करने लगा। इससे एसटीएफ को पकड़ने में बहुत दिक्कतें महसूस हो रही थी, लेकिन लगातार वो बात जारी रखा। लेकिन ऐसे मुखबिर के द्वारा एक बार वार्ता से ये क्लियर हुआ कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं, यूपी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, फला गाड़ी से हैं। और इस पर एसटीएफ पूरी तरीके से हरकत में आ गई, और हरकत में आने के बाद लगातार उसके पीछे पड़ गई, उसके गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दिया टीम एसटीएफ ने। इस बात की भनक श्री प्रकाश शुक्ला को नहीं पता चली, और लगातार कुछ दूर चलने के बाद जब सुनसान एरिया आया, सन्नाटे का एरिया आया, वहां पर एसटीएफ ने तुरंत ओवरटेक किया अपनी गाड़ी को, तुरंत ओवरटेक किया, और ओवरटेक करने के बाद फिर उसके सामने अपनी गाड़ी को रोक दिया। और जो सामने गाड़ी को रोक दिया दोस्तों, तुरंत हैंड अप किया गया कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। लेकिन जो इतना बड़ा अपराधी, जो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल कर रहा हो, उसके लिए बहुत छोटी चीज लगती है। श्री प्रकाश शुक्ला ने बगैर कुछ कहे सुने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरुआत कर दिया, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरुआत किया। और इस ताबड़तोड़ फायरिंग करने की वजह से काउंटर अटैक में एसटीएफ ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग किया, लगातार फायरिंग चलती रही। और लगातार फायरिंग होने की वजह से मुठभेड़ में इतने सालों से लगातार पूरे देश में त्राहि त्राहि मचाया हुआ अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला
एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर हो गया, वहीं पर मारा गया और वहीं से इस चीज का खात्मा हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से जोश आवेश में आकर के बहुत नए नए बच्चे गलत घटनाएं कर जाते हैं। हमें कभी आवेश में नहीं आना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, उस हर चीज की कानूनी प्रक्रिया होती है, अपनी जिंदगी अपनी लाइफ को यू टर्न कर देती है। तो इस तरीके से एक बालक इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड बना, डॉन माफिया शूटर बना और उसका सितंबर 1998 में इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा मारा गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।